सो so, मोस्टली सब लोग बिलीव करते हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना है वो भी बहुत ज़रूरी है सो so, कुछ डूज एंड डोंट्स मैं बताने वाला हूं आपको डूज सबसे पहले तो अपनी स्लीप डेफिसिट को कंप्लीट कीजिए जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है वो आपको तभी याद आएगा जब आप कंप्लीटली रिलैक्स होंगे आराम से सोइए दिन में मेरा ये बोलना है सेकेंडली अपनी हॉबी प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको गिटार प्ले करना अच्छा लगता है वो कीजिए आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है वो कीजिए अगर आपको टीचिंग अच्छा लगता है तो एक टॉपिक को पढ़ा दीजिए जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूं मैं क्या करता हूं सिंपल पढ़ाना शुरू कर देता हूं अगर कोई बैच शेड्यूल नहीं है तो मैं सिंपल आकर के बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देता हूं क्योंकि ये मेरी हॉबी है क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो लास्ट डे को आप टाइट शेड्यूल मत बनाइए सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले सब कुछ पढ़ना है ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है बिल्कुल मत कीजिए बिलीव कीजिए आप प्रिपेयर्ड हैं आपने जो पूरे साल पढ़ा है वो आपके साथ है कहीं गया नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मूवी मेरे हिसाब से मत देखिए अवॉइड कीजिए क्योंकि मूवी के अंदर स्टोरी होती है और वो आपके माइंड में घूम रही होगी तो रिसेंटली हम जो भी कुछ किया हुआ होता है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलता है तो मूवी मत देखिए उसके अलावा आप वॉक कर लीजिए आप कुछ भी कर लीजिए हॉबी प्रैक्टिस कर लीजिए ट्राई टू अवॉइड हैविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थ्रू एनी अदर मीडियम सो विद दिस आई वॉन्ट टू से ऑल द वेरी बेस्ट